नमस्कार इंडिया। 1879 में महाराजा तख्त सिंह जी ने बनवाया था यह आलीशान महल। जिसे एक जर्मन आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाया था। आज रॉयल्टी को जोड़ते हैं स्पिरिचुअलिटी से, डिविनिटी से और वेलनेस से। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुजरात के 75 स्थानों पर होगा योग। जुड़ेंगे लाखों लोग, आप भी योग करें, फिट रहें। योगा डे पे मेरा सभी को यही मैसेज है कि आप सभी रोज योगा कीजिए, जिससे कि आप फिजिकली मेंटली हेल्दी रहेंगे और आप एक एनर्जेटिक यू नो पॉजिटिव वाइब्स फील करेंगे। मेरे तरफ से सभी को रिक्वेस्ट है, आप सब दिन योगा कीजिए, फिट रहिए, हेल्थ स्वस्थ रहेगा। आज का ये ग्लोरियस हेरिटेज होटल एक समय पर गोहिल राजवंश का घर हुआ करता था, तो क्यों ना हम इस रॉयल ब्लू को भर दें योग के कई अनगिनत रंगों से। लेट्स डू इट। नीलम बाग पैलेस में करते हैं योग का शुभारंभ। गौमुखासन, ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, अच्छे पोस्चर के लिए भी सहायक है। विपरीत नौकासन, जो गैस दूर करके हमें पेट की कई प्रॉब्लम से बचाता है। चक्रासन, ये बॉडी के सारे मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, जैसे हैमस्ट्रिंग्स, थाइस और हिप्स। जानु शीर्षासन, जो हमारे खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर हमें उसका पूरा न्यूट्रिशन देता है। कुछ लोग मन के राजा होते हैं, वो एक्सरसाइज को ना के बराबर करते हैं, उनको आप योग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे? जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो आजकल जो बीमारी आ रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, B12 की जो कमी होना, HB की कमी होना, वो सभी बीमारी का रीजन यही है कि हमारी डाइजेस्टिव पावर वीक होती है। तो डाइजेस्टिव पावर बढ़ाने के लिए अपने जीवन में कम से कम 15 मिनट सूर्य नमस्कार और योग को और फिजिकल एक्टिविटी को अवश्य जोड़े, तो इतना व्यायाम का महत्व तो होना ही चाहिए। कॉलोनियल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड इस पैलेस का राजुला स्टोन से बना स्ट्रक्चर आज भी एक मिडीवल मावल है। भावनगर के राजा हमेशा अपनी प्रजा के लिए जरूरत से ज्यादा और समय से आगे सोचा करते थे। कृष्ण कुमार सिंह जी को 1948 में मद्रास का पहला राज्यपाल भी बनाया गया था। आजादी के समय यहाँ के महाराजा श्री कृष्ण कुमार सिंह जी अपना राज्य छोड़कर भारतीय गणतंत्र में शामिल होने वाले देश के पहले राजा थे। 150 साल पुराने नीलम बाग पैलेस जरूर आएं। योग करें, फिट रहें। जय हिंद। योग करें, फिट रहें। योग करें, फिट रहें।